मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। देश के हर कोने में ज़्यादातर परिवार अपने बच्चों की एग्ज़ाम में जुटे हुए होंगे। जिनकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई होगी, वहाँ कुछ रिलीफ का माहौल होगा, और जहाँ एग्ज़ाम चलती होगी उस परिवारों में अभी भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर होगा ही होगा। लेकिन ऐसे समय मैं यही कहूँगा कि पिछली बार मैंने जो मन की बात में विद्यार्थियों के से जो बातें की है, उसे दोबारा सुन लीजिए। परीक्षा के समय वो बातें ज़रूर आपको काम आएगी। आज 26 मार्च है। 26 मार्च बांग्लादेश का स्वतंत्रता का दिवस है। अन्याय के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई बंगबंधु के नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता का अभूतपूर्व विजय। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं बांग्लादेश के नागरिक भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यह कामना करता हूं कि बांग्लादेश आगे बढ़े, विकास करें, और बांग्लादेशवासियों से भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारत बांग्लादेश का एक मजबूत साथी है, एक अच्छा मित्र है, और हम कंधे से कंधा मिलाकर के इस पूरे क्षेत्र के अंदर शांति, सुरक्षा और विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। हम सबको इस बात का गर्व है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी यादें हमारी एक सांझी विरासत है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। गुरुदेव टैगोर के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1913 में वे न केवल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे, बल्कि उन्हें अंग्रेजों ने नाइटहुड की भी उपाधि दी थी। और जब 1919 में जलियांवाला बाग पर अंग्रेजों ने कत्लेआम किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर उन महापुरुषों में थे जिन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद की थी। और यही कालखंड था जब 12 साल के एक बच्चे के मन पर इस घटना का गहरा प्रभाव हुआ था। किशोर अवस्था में खेत खलिहान में हंसते कूदते उस बालक को जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड ने जीवन की एक नई प्रेरणा दे दी थी। और 1919 में 12 साल का वो बालक, मतलब हम सबके प्रिय, हम सबकी प्रेरणा शहीद भगत सिंह। आज से 3 दिन पूर्व 23 मार्च को भगत सिंह जी को और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। और हम सब जानते हैं 23 मार्च की वो घटना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के चेहरे पर माँ भारती की सेवा करने का संतोष, मृत्यु का भय नहीं था। जीवन के सारे सपने माँ भारती की आज़ादी के लिए समाहित कर दिए थे। और ये तीनों वीर आज भी हम सबकी प्रेरणा है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की गाथा को हम शब्दों में अलंकृत भी नहीं कर पाएंगे। और पूरी ब्रिटिश सल्तनत इन तीनों युवकों से डरती थी। जेल में बंद थे, फांसी तय थी, लेकिन इनके साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, इसकी चिंता ब्रिटिशरों को लगी रहती थी। और तभी तो 24 मार्च को फांसी देनी थी, लेकिन 23 मार्च को ही दे दी गई थी। चोरी छिपी से किया गया था, जो आमतौर पर नहीं किया जाता। और बाद में उनके शरीर को आज के पंजाब में ला करके अंग्रेजों ने चुपचाप जला दिया था। कई वर्षों पूर्व जब पहली बार मुझे वहाँ जाने का मौका मिला था, उस धरती में एक प्रकार के वाइब्रेशन में अनुभव करता था। और मैं देश के नौजवानों को जरूर कहूँगा, जब भी मौका मिले तो पंजाब जब जाएं तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह की माता जी और बटुकेश्वर दत्त की समाधि के स्थान पर अवश्य जाएं। यही तो कालखंड था जब आज़ादी की ललक, उसकी तीव्रता, उसका व्याप बढ़ता ही चला जा रहा था। एक तरफ
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे वीरों ने सशस्त्र क्रांति के लिए युवकों को प्रेरणा दी थी। तो आज से ठीक 100 साल पहले 10 अप्रैल 1917 महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। ये चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी का वर्ष है। भारत के आजादी के आंदोलन में गांधी विचार और गांधी शैली, इसका प्रकट रूप पहली बार चंपारण में नजर आया। आजादी के पूरी आंदोलन यात्रा में एक टर्निंग पॉइंट था, खास करके संघर्ष के तौर तरीके की दृष्टि से। यही वो कालखंड था, चंपारण का सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, और इन सब में महात्मा गांधी की विचार और कार्यशैली का गहरा प्रभाव नजर आता था। 1915 में गांधी विदेश से वापस आए और 1917 में बिहार के छोटे से गांव में जाकर के उन्होंने देश को नई प्रेरणा दी। आज हमारे मन में महात्मा गांधी की जो छवि है, उस छवि के आधार पर हम चंपारण सत्याग्रह का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक इंसान जो 1915 में हिंदुस्तान वापस आए, सिर्फ 2 साल का कार्यकाल, न देश उनको जानता था, न उनका प्रभाव था, अभी तो शुरुआत थी, उस समय उनको कितना कष्ट झेलना पड़ा होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। और चंपारण सत्याग्रह ऐसा था कि जिसमें महात्मा गांधी के संगठन कौशल्य, महात्मा गांधी की भारतीय समाज के नब्ज को जानने की शक्ति, महात्मा गांधी अपने व्यवहार से अंग्रेज सल्तनत के सामने गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को संघर्ष के लिए संगठित करना, प्रेरित करना, संघर्ष के लिए मैदान में लाना, ये अद्भुत शक्ति के दर्शन कराता है। और इसलिए जिस रूप में हम महात्मा गांधी के विराट का को अनुभव करते हैं, लेकिन अगर 100 साल पहले के गांधी को सोचें, उस चंपारण सत्याग्रह वाले गांधी को, तो सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए चंपारण सत्याग्रह एक बहुत ही अध्ययन का विषय है। सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कैसे की जा सकती है, खुद कितना परिश्रम करना होता है, और गांधी ने कैसे किया था, ये हम उससे सीख सकते हैं। और वो समय था, जितने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के हम नाम सुनते हैं, गांधी ने उस समय राजेंद्र बाबू हो, आचार्य कृपलानी जी हो, सबको गांवों में भेजा था, लोगों के साथ जुड़ करके लोग जो काम कर रहे हैं उसी को आज़ादी के रंग से रंग देना, इसके तरीके सिखाए थे। और अंग्रेज लोग समझ ही नहीं पाए कि गांधी का तौर तरीका क्या है, संघर्ष भी चले, सृजन भी चले, और दोनों एक साथ चले। गांधी ने जैसे एक सिक्के के दो पहलू बना दिए थे, एक सिक्का का एक पहलू संघर्ष तो दूसरा पहलू सृजन, एक तरफ जेल भर देना तो दूसरी तरफ रचनात्मक कार्यों में अपने आप को खपा देना, एक बड़ा अद्भुत बैलेंस गांधी की कार्यशैली में था। सत्याग्रह शब्द क्या होता है, असहमति क्या हो सकती है, इतनी बड़ी सल्तनत के सामने असहयोग क्या होता है, एक पूरी नई विभावना गांधी ने शब्दों के द्वारा नहीं, एक सफल प्रयोग के द्वारा प्रस्थापित कर दी थी। आज जब देश चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मना रहा है, तब भारत के सामान्य मानवी की शक्ति कितनी अपार है, उस अपार शक्ति को आज़ादी के आंदोलन की तरह स्वराज्य से सुराज्य की यात्रा भी 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति, परिश्रम की पराकाष्ठा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस मूल मंत्र को लेकर के देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का अखंड प्रयास ही आज़ादी के लिए मर मिटने वाले उन महापुरुषों के सपनों को साकार करेगा। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तब कौन हिंदुस्तानी ऐसा होगा जो भारत को बदलना नहीं चाहता होगा, कौन हिंदुस्तानी होगा जो देश में बदलाव के लिए
हिस्सेदार बनना नहीं चाहता हो, सवा सौ करोड़ देशवासियों की यह बदलाव की चाह, यह बदलाव का प्रयास, यही तो है जो नए भारत, न्यू इंडिया, इसकी मजबूत नींव डालेगा। न्यू इंडिया न तो कोई सरकारी कार्यक्रम है, न ही किसी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो है, और न ही यह कोई प्रोजेक्ट है। न्यू इंडिया सवा सौ करोड़ देशवासियों का आह्वान है। यही भाव है कि सवा सौ करोड़ देशवासी मिलकर के कैसा भव्य भारत बनाना चाहते हैं। सवा सौ करोड़ देशवासियों के मन के अंदर एक आशा है, एक उमंग है, एक संकल्प है, एक चाह है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर हम थोड़ा सा अपने निजी जिंदगी से हट करके संवेदना सभर नजर से समाज में चल रही गतिविधियों को देखेंगे, हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है उसको जानने समझने का प्रयास करेंगे, तो हम हैरान हो जाएंगे कि लक्षावधि लोग निस्वार्थ भाव से अपने निजी जिम्मेवारियों के अतिरिक्त समाज के लिए, शोषित पीड़ित वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, दुखियारों के लिए कुछ न कुछ करते हुए नजर आते हैं, और वे भी एक मुख सेवक की तरह, जैसे तपस्या करते हो, साधना करते हो, वो करते रहते हैं। कई लोग होते हैं जो नित्य अस्पताल जाते हैं, मरीजों की मदद करते हैं, अनेक लोग होते हैं पता चलते ही रक्तदान के लिए दौड़ जाते हैं, अनेक लोग होते हैं कोई भूखा है तो उसके भोजन की चिंता करते हैं। हमारा देश बहुरत्ना वसुंधरा है, जनसेवा ही प्रभु सेवा, ये हमारी रगों में है। अगर एक बार हम उसको सामूहिकता के रूप में देखें, संगठित रूप में देखें, तो कितनी बड़ी शक्ति है। जब न्यू इंडिया की बात होती है तो उसकी आलोचना होना, विवेचना होना, भिन्न नजरिए से उसे देखना, ये बहुत स्वाभाविक है और ये लोकतंत्र में अवकार्य है। लेकिन ये बात सही है कि सवा सौ करोड़ देशवासी अगर संकल्प करें, संकल्प को सिद्ध करने के लिए राह तय कर लें, एक के बाद एक कदम उठाते चले, तो न्यू इंडिया सवा सौ करोड़ देशवासियों का सपना हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो सकता है। और जरूरी नहीं कि ये सब चीजें बजट से होती है, सरकारी प्रोजेक्ट से होती है, सरकारी धन से होती है। अगर हर नागरिक संकल्प करे कि मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करूं, अगर हर नागरिक संकल्प करे कि मैं मेरी जिम्मेवारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, अगर हर नागरिक संकल्प करे कि सप्ताह में एक दिन मैं पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं करूंगा अपने जीवन में, चीजें छोटी छोटी होती हैं। आप देखिए इस देश को जो न्यू इंडिया का सपना सवा सौ करोड़ देशवासी देख रहे हैं, वो अपनी आंखों के सामने साकार होता देख पाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि हर नागरिक अपने नागरिक धर्म का पालन करे, कर्तव्य का पालन करे, यही अपने आप में न्यू इंडिया की एक अच्छी शुरुआत बन सकता है। आइए 2022, भारत की आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करते हैं, चंपारण के सत्याग्रह को याद करते हैं, तो क्यों न हम भी स्वराज्य से सुराज्य की इस यात्रा में अपने जीवन को अनुशासित करके, संकल्पबद्ध करके क्यों न जोड़े। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में एक ऐसा माहौल बना, बहुत बड़ी मात्रा में लोग डिजिटल पेमेंट, डिजी धन आंदोलन में शरीक हुए। बिना नकद कैसे लेन देन की जा सकती है, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ी है। गरीब से गरीब भी सीखने का प्रयास कर रहा है, और धीरे धीरे लोग भी बिना नकद कारोबार कैसे करना उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बाद से डिजिटल पेमेंट के अलग अलग तरीकों में काफी वृद्धि देखने को मिली है। बीम ऐप, इसको प्रारंभ किए हुए भी 2-2.5 महीने का ही समय हुआ है,
लेकिन अब तक करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को हमने आगे बढ़ाना है। 125 करोड़ देशवासी इस एक वर्ष में 2500 करोड़ डिजिटल लेन देन का काम करने का संकल्प कर सकते हैं क्या? हमने बजट में घोषणा की है 125 करोड़ देशवासियों के लिए ये काम। अगर वो चाहें तो एक साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं, 6 महीने में कर सकते हैं। 2500 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन। अगर हम स्कूल में फी भरेंगे तो कैश से नहीं भरेंगे, डिजिटल से भरेंगे। हम रेलवे में प्रवास करेंगे, विमान में प्रवास करेंगे, डिजिटल से पेमेंट करेंगे। हम दवाई खरीदेंगे, डिजिटल पेमेंट करेंगे। हम सस्ता अनाज की दुकान चलाते हैं, हम डिजिटल व्यवस्था से करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में ये कर सकते हैं हम। आपको कल्पना नहीं है, लेकिन इससे आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं और काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के आप एक वीर सैनिक बन सकते हैं। पिछले दिनों लोक शिक्षा के लिए, लोक जागरूकता के लिए डिजिधन मेला के कई कार्यक्रम हुए। देश भर में 100 कार्यक्रम करने का संकल्प है। 80-85 कार्यक्रम हो चुके हैं, उसमें इनाम योजना भी थी। करीब 12.5 लाख लोगों ने उपभोक्ता वाला इनाम प्राप्त किया है। 70,000 लोगों ने व्यापारियों के लिए जो इनाम था वो प्राप्त हुआ है और हर किसी ने इस काम को आगे बढ़ाने का संकल्प भी किया है। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है और बहुत पहले से जैसे तय हुआ था 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर इस डीजी मेला का समापन होने वाला है। 100 दिन पूरे होकर के एक आखिरी बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। बहुत बड़ा ड्रॉ का भी उसमें प्रावधान है। मुझे विश्वास है कि बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती के जितने भी समय अभी हमारे पास बचा है, भीम ऐप का हम प्रचार करें, नकद कम हो कैसे हो, नोटों का व्यवहार कम कैसे हो, उसमें हम अपना योगदान दें। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे खुशी है कि मुझे हर बार जब भी मन की बात के लिए लोगों से सुझाव मांगता हूँ, अनेक अनेक प्रकार के सुझाव आते हैं, लेकिन ये मैंने देखा है कि स्वच्छता के विषय में हर बार आग्रह रहता ही रहता है। मुझे देहरादून से गायत्री नाम की एक बिटिया ने, जो कि 11वीं की छात्रा है, उसने फोन करके एक मैसेज भेजा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाइयाँ कि आप इस चुनाव में आपने भारी मतों से विजय हासिल की है। मैं आपसे अपने मन की बात करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों को यह समझाना होगा कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। मैं रोज उस नदी से होकर जाती हूँ जिसमें लोग बहुत सा कूड़ा करकट भी डालते हैं और नदियों को दूषित करते हैं। वह नदी रिस्पना पुल से होकर होते हुए आती है और मेरे घर तक भी आती है। इस नदी के लिए हमने बस्तियों में जाकर रैली भी निकाली और लोगों से बातचीत भी की, परंतु उसका कुछ फायदा ना हुआ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी एक टीम भेजकर या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से इस बात को उजागर किया जाए। धन्यवाद। देखिए भाइयों बहनों, 11वीं कक्षा की एक बेटी के कितनी पीड़ा है। उस नदी में कूड़ा कचरा देख करके उसको कितना गुस्सा आ रहा है। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूँ। मैं यही तो चाहता हूँ 125 करोड़ देशवासियों के मन में गंदगी के प्रति गुस्सा पैदा हो। एक बार गुस्सा पैदा होगा, नाराजगी पैदा होगी, उसके प्रति रोष पैदा होगा, हम ही गंदगी के खिलाफ कुछ न कुछ करने लग जाएंगे। और अच्छी बात है कि गायत्री स्वयं अपना गुस्सा भी प्रकट कर रही है, मुझे सुझाव भी दे रही है, लेकिन साथ साथ खुद ये भी कह रही है कि उसने काफ़ी प्रयास किए लेकिन विफलता मिली। जब से स्वच्छता का आंदोलन की शुरुआत हुई है, जागरूकता आई है, हर कोई उसमें सकारात्मक रूप से जुड़ता चला गया है। उसने एक आंदोलन का रूप भी लिया है। गंदगी के प्रति नफरत भी बढ़ती चली जा रही है। जागरूकता हो, सक्रिय भागीदारी हो, आंदोलन हो, इसका अपना महत्व है ही है, लेकिन स्वच्छता आंदोलन से ज्यादा आदत से जुड़ी हुई होती है। यह आंदोलन आदत बदलने का आंदोलन है। यह आंदोलन स्वच्छता की आदत पैदा करने का आंदोलन है। आंदोलन सामूहिक रूप से हो सकता है। काम कठिन है लेकिन करना है। मुझे विश्वास है
कि देश की नई पीढ़ी में, बालकों में, विद्यार्थियों में, युवकों में ये जो भाव जगा है, ये अपने आप में अच्छे परिणाम की संकेत देता है। आज के मेरी मन की बात में गायत्री की बात जो भी सुन रहे हैं, मैं सारे देशवासियों को कहूंगा कि गायत्री का संदेश हम सबके लिए संदेश बनना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, जब से मैं मन की बात कार्यक्रम को कर रहा हूं, प्रारंभ से ही एक बात पर कई सुझाव मुझे मिलते रहे हैं और वो ज्यादातर लोगों ने चिंता जताई है फूड वेस्टेज के संबंध में। हम जानते हैं कि हम परिवार में भी और सामूहिक भोजन समारंभ में भी जरूरत से ज्यादा प्लेट में ले लेते हैं, जितनी चीजें दिखाई दे सब सारी की सारी प्लेट में भर देते हैं और फिर खा नहीं पाते हैं। जितना प्लेट में भरते हैं उससे आधा भी पेट में नहीं भरते हैं और फिर वहीं छोड़ के निकल जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम जो ये जूठन छोड़ देते हैं उससे हम कितनी बर्बादी करते हैं? क्या कभी सोचा है कि अगर जूठन न छोड़े तो ये कितने गरीबों का पेट भर सकता है? ये विषय ऐसा नहीं कि जो समझाना पड़े। वैसे हमारे परिवार में छोटे बालकों को जब माँ परोसती है तो कहती है कि बेटा जितना खा सकते हो उतना ही लो। कुछ न कुछ तो प्रयास होता रहता है, लेकिन फिर भी इस विषय पर उदासीनता एक समाज द्रोह है, गरीबों के साथ अन्याय है। दूसरा, अगर बचत होगी तो परिवार का भी तो आर्थिक लाभ है, समाज के लिए सोचे अच्छी बात है, लेकिन ये विषय ऐसा है कि परिवार का भी लाभ है। मैं इस विषय पर ज्यादा आग्रह नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जागरूकता बढ़नी चाहिए। मैं कुछ युवकों को तो जानता हूं कि जो इस प्रकार के आंदोलन चलाते हैं, उन्होंने मोबाइल ऐप बनाए हैं और कहीं पर भी इस प्रकार की जूठन पड़ी है तो लोग बुलाते हैं, बोले सब इकट्ठा करते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं, मेहनत करते हैं और हमारे देश के नौजवान करते हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य में कहीं कहीं आपको ऐसे लोग मिलेंगे, उनका जीवन भी हम लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं कि हम जूठन न करें, हम उतना ही लें जितना खाना। देखिए, बदलाव के लिए यही तो रास्ते होते हैं। और जो लोग शरीर स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक होते हैं वो तो हमेशा कहते हैं पेट भी थोड़ा खाली रखो, प्लेट भी थोड़ी खाली रखो। और जब स्वास्थ्य की बात आई है तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड हेल्थ डे। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि सबको स्वास्थ्य का लक्ष्य तय किया है। इस बार यूनाइटेड नेशन ने 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस पर डिप्रेशन विषय पर फोकस किया है। डिप्रेशन ये इस बार की उनकी थीम है। हम लोग भी डिप्रेशन शब्द से परिचित हैं, लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ करना है तो कुछ लोग उसको अवसाद भी कहते हैं। एक अनुमान है कि दुनिया के अंदर 35 करोड़ से ज्यादा लोग मानसिक रूप से डिप्रेशन से पीड़ित है। मुसीबत यह है कि हमारे अगल बगल में भी इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं और शायद इस विषय में खुलकर के बात करने में हम संकोच भी करते हैं। जो स्वयं डिप्रेशन महसूस करता है वो भी कुछ बोलता नहीं, क्योंकि वो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है। मैं देशवासियों से कहना चाहूंगा कि डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि उससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। एक मनोवैज्ञानिक माहौल पैदा करना होता है और उसकी शुरुआत होती है, पहला मंत्र है डिप्रेशन के सप्रेशन के बजाय इसके एक्सप्रेशन की जरूरत है। अपने साथियों के बीच, मित्रों के बीच, माँ बाप के बीच, भाइयों के बीच, टीचर के साथ खुलकर के कहिए आपको क्या हो रहा है। कभी कभी अकेलापन, खासकर के हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को तकलीफ ज्यादा हो जाती है। हमारे देश का सौभाग्य रहा कि हम लोग संयुक्त परिवार में पले बढ़े हैं, विशाल परिवार होता है, मेलजोल रहती है और उसके कारण डिप्रेशन की संभावनाएं खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं माँ बाप को कहना चाहूंगा कि आपने कभी देखा है कि आपका बेटा या बेटी या परिवार का कोई भी सदस्य, पहले जब आप खाना खाते थे सब लोग साथ खाते थे, लेकिन एक परिवार का व्यक्ति वो कहता है नहीं मैं बाद में खाऊंगा, वो टेबल पे नहीं आता है। घर में सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो कहता है नहीं नहीं मुझे आज नहीं आना है, अकेला रहना पसंद करता है। आपका कभी ध्यान गया कि ऐसा क्यों करता है? आप जरूर मानिए
कि वो डिप्रेशन की दिशा का पहला कदम है। अगर वो आपसे समूह में रहना पसंद नहीं करता है, अकेला एक कोने में चला जा रहा है, तो प्रयत्नपूर्वक देखिए कि ऐसा न होने दे। उसके साथ खुलकर के जो बात करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उसको बीच रहने का अवसर दीजिए। हंसी खुशी की खुलकर के बातें करते 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 उसको एक्सप्रेशन के लिए प्रेरित करें। उसके अंदर कौन सी कुंठा कहाँ पड़ी है उसको बाहर निकालिए। ये उत्तम उपाय है। और डिप्रेशन मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बन जाता है। जैसे डायबिटीज हर प्रकार की बीमारियों का यजमान बन जाता है, वैसे डिप्रेशन भी टिकने की, लड़ने की, साहस करने की, निर्णय करने की हमारी सारी क्षमताओं को ध्वस्त कर देता है। आपके मित्र, आपका परिवार, आपका परिसर, आपका माहौल, ये मिलकर के ही आपको डिप्रेशन को जाने से रोक भी सकते हैं और गए हैं तो बाहर ला सकते हैं। एक और भी तरीका है, अगर अपनों के बीच में आप खुल करके अपने एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हो, तो एक काम कीजिए, अगल बगल में कहीं सेवा भाव से लोगों की मदद करने चले जाइए। मन लगा के मदद कीजिए, उनके सुख दुख को बांटिए। आप देखना आपके भीतर का दर्द यूं ही मिटता चला जाएगा। उनके दुखों को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, सेवा भाव से करोगे, आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। औरों से जुड़ने से, किसी की सेवा करने से, और निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करते हैं, तो आप अपने मन के बोझ को बहुत आसानी से हल्का कर सकते हैं। वैसे योग भी अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा मार्ग है। तनाव से मुक्ति, दबाव से मुक्ति, प्रसन्न चित्त की ओर प्रयाण, योग बहुत मदद करता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, ये तीसरा वर्ष होगा। आप भी अभी से तैयारी कीजिए और लाखों की तादाद में सामूहिक योग उत्सव मनाना चाहिए। आपके मन में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में अगर कोई सुझाव है, तो आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने सुझाव मुझे जरूर भेजें, मार्गदर्शन करें। योगा के संबंध में जितने गीत काव्यमय रचनाएं आप तैयार कर सकते हो करनी चाहिए, ताकि वो सहज रूप से लोगों को समझ आ जाता है। माताओं बहनों से भी मैं जरूर आज एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज हेल्थ की ही चर्चा काफ़ी निकली है, स्वास्थ्य की बातें काफ़ी हुई हैं। तो पिछले दिनों भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है। हमारे देश में जो वर्किंग क्लास विमेन है, कामकाजी वर्ग में जो हमारी महिलाएं हैं, और दिनों दिन उनकी संख्या भी बढ़ रही है, उनकी भागीदारी बढ़ रही है, और ये स्वागत योग्य है। लेकिन साथ साथ महिलाओं के पास विशेष जिम्मेवारियाँ भी है। परिवार की जिम्मेवारियाँ वो संभालती हैं, घर की आर्थिक जिम्मेवारियाँ भी, उसकी भागीदारी भी उसको करनी पड़ती है, और उसके कारण कभी कभी नवजात शिशु के साथ अन्याय हो जाता है। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि ये जो कामकाजी वर्ग की महिलाएं हैं, उनको प्रसूता के समय, प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय मैटरनिटी लीव जो पहले 12 सप्ताह मिलती थी, अब 26 सप्ताह दी जाएगी। दुनिया में शायद 2 या 3 ही देश हैं जो हमसे आगे हैं। भारत ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हमारी इन बहनों के लिए किया है, और इसका मूल उद्देश्य उस नवजात शिशु की देखभाल, भारत का भावी नागरिक जन्म के प्रारंभिक काल में उसकी सही देखभाल हो, माँ का उसको भरपूर प्यार मिले, तो हमारे ये बालक बड़े होकर के देश की अमानत बनेंगे, माताओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इसलिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसके कारण फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली करीब 18 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व है, 9 अप्रैल को महावीर जयंती है, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती है। ये सभी महापुरुषों का जीवन हमें प्रेरणा देता रहे, न्यू इंडिया के लिए संकल्प करने की ताकत दे। 2 दिन के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा, नव संवत्सर, इस नव वर्ष के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वसंत ऋतु के बाद फसल पकने का प्रारंभ
और किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलने का यही समय है। हमारे देश के अलग अलग कोने में इस नववर्ष को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र कर्नाटक में नववर्ष के तौर पर उगादि, सिंधी चेटीचांद, कश्मीरी नवरेह, अवध के क्षेत्र में संवत्सर पूजा, बिहार के मिथिला में जुड़ शीतल और मगध में सतवानी का त्यौहार नववर्ष पर होता है। अनगिनत भारत इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। आपको भी इस नववर्ष की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।